हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह रेपर। मेरे पास देखिए एक फिलिप्स का इंडक्शन आया हुआ है। इसका इंडक्शन है, अभी मैं इसको खोला भी नहीं हूँ। और ये देखिए, इसका ये मॉडल नंबर है, ये डला हुआ है, इसका कस्टमर का नंबर भी डला है इसमें। देखिए तो कंडीशन से ज़्यादा पुराना भी नहीं है। चलिए इसमें समस्या क्या देखते हैं। और मैं कभी भी बोलता हूँ, या इंडक्शन वगैरह या कोई चीज़ कभी आती है तो डायरेक्ट प्लेट में लगा के डायरेक्ट एसी वोल्ट डायरेक्ट 230 वोल्ट डायरेक्ट ना दें। हमेशा इसे 200 वोल्ट सीरीज बल्ब में ही लगा के चेक करें। तो जो मेरा सीरीज वोल्ट मैंने ये बनाया हुआ, जो मेन है मेरे, और जो मेरे इधर सीरीज वोल्ट लगा हुआ है ऊपर से, ये मैं लगाता हूँ उसको। तो देखिए कंडीशन में मेरे पास बल्ब है ऊपर, देखिए रोशनी तेज हो गई है। ये मेरा सीरीज बल्ब है, देखिए ये सीरीज बल्ब मेरा जल रहा है, इतना तेज जल रहा है। तो मैं निकालता हूँ तो देखिए बंद हो गया, और फिर लगाता हूँ तो देखिए ये सीरीज बल्ब मेरा जल रहा है। मतलब इसमें अर्थ और फैज दोनों ही कम्बाइन मिलके टच हो रहे हैं, शॉर्टिंग हो रही है। अगर मैं इसको डायरेक्ट इसमें लगा देता 230 वोल्ट, जो इसमें मैं मेन में डायरेक्ट लगा देता अगर, तो मेरा एमसीबी दुकान का फ्यूज उड़ गया होता। ये एक सावधानी बरतना चाहिए अभी चेक करते हुए। तो चलिए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसकी समस्या क्या हो रही है और क्या दिक्कत ये कर रहा है। दोस्तों ओपन कर लिया, खोल के इसको ओपन कर लिया। यहाँ से पहले तो मैं यहाँ इसका ये ऊपर का टॉप ये निकाल के अलग करता हूँ, ये अलग कर देता। पहले ये सेंसर भी निकालते हैं, ये सेंसर भी निकालते हैं। चलिए दोस्तों ये अलग करके इसमें देखते हैं कि मेन लगाने पे या तो फ्यूज उड़ा नहीं है, इसमें फ्यूज उड़ जाता अगर, शॉर्टिंग तो है लेकिन फ्यूज नहीं उड़ा। इसमें डायरेक्ट अर्थ और फेस देखते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ दोनों फेस पे अर्थ नहीं है। सबसे पहले क्या, इसका GTR जो लगा हुआ है, इसका GTR ही चेक करते हैं कि GTR तो कहीं शॉर्ट नहीं है। अधिकतर इसमें GTR या डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो मैं सबसे पहले GTR पे ही लगा के चेक करूँगा और GTR पे ही देख रहा हूँ। GTR पे ही देख रहा हूँ मैं, GTR शॉर्ट बता रहा है, बीप मार रहा है। ये देखिए GTR शॉर्ट है, GTR पूरी तरह से शॉर्टिंग उठा रहा है। मतलब रेक्टिफाई डायोड भी हो सकता है शॉर्ट, लेकिन GTR शॉर्ट है। चलिए GTR बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या। ये देखिए दोनों अर्थ फेस GTR के दोनों पॉइंट पे, यहाँ माइनस प्लस जो रहता है वहाँ लगाया हूँ ये इसके डायोड रेक्टिफायर के। ये देखिए बीप मार रहा है, तो मतलब GTR शॉर्ट है। GTR पहले ओपन करेंगे उसके बाद देखते हैं। इसका GTR अलग कर दिए हैं निकाल के यहाँ से, इसका GTR है। देखिए इस पर ये नंबर डला हुआ है, कुछ साफ होता हूँ। देखिए H20F, देखिए H
H203R5। ये GTR है, ये शॉर्ट है, ये चेक करने पे शॉर्टिंग ही बता रहा है। साइंस में फिर से आपको चेक करके बताता हूँ, इसके कारण ही ये भी वो शॉर्टिंग हो रही थी, और इसके कारण ही शॉर्टिंग हो रही थी। इस पर देखिए क्या करूँ, अकेला रहता हूँ। देखिए देखिए कर पीप मारा, देखिए GTR शॉर्ट होता है, पीप मारा, ये शॉर्ट हो गया। यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया हूँ, और इसको देखता हूँ मैं, ये पल्टी भी कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से ओपन करके, अब मैं इस पर फिर भी मैं आपसे कहता हूँ सीरीज में ही लगाइए कभी, या मैंने सीरीज में लगाया, देखिए बीप करने लगाई, लगाते से बीप आ गया, और इसमें देखिए बीप आ गया और इंडिकेटर भी आ रहा है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, उसके बाद यहाँ कुछ मैनुअल टेम्परेचर मैनुअल ये करना पड़ेगा। देखिए मैं कर रहा हूँ निकल रहा है, फैन चालू हो गया, ये अलग करके रखा हूँ मैंने। देखिए अब क्या एरर दे रहा है, माउस पे लगाते E9 का एरर ये दे रहा है, तो उससे माउस पे लगाएंगे तो E0 का एरर इसके आना चाहिए। तो इसके लगभग वोल्ट इस पर आना चाहिए माइनस प्लस 300 के लगभग वोल्टेज आना चाहिए, 300-325। ठीक है, उस पर वोल्टेज प्रॉपर ठीक आ रहे हैं, ये मैं चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए वो सेट मेरा चल रहा है, लेकिन अभी बंद हो गया, इसको फिर से मैनुअल करना पड़ेगा। चलिए इसमें मैं ये GTR मॉस्फेट जो होता है ये लगा के फिर इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों इसका मैंने मॉस्फेट चेंज कर दिया हूँ, ये मॉस्फेट लगा दिया है, और फिर से मैं इसको लगा के चेक करता हूँ इसकी। ये मैंने लगा दिया मॉस्फेट, देखिए ऑन करता हूँ। अभी मैंने कॉइल अटैच नहीं किया हूँ, खाली चेक करने के लिए ऑन हुआ, इसको मैनुअल करता हूँ मैं, तो वो 120 पे आ गया, ये कम ज़्यादा। फिर E9 बता रहा है, जब मैं इस पर कनेक्ट करने के बाद कॉइल ये सेंसर कनेक्ट करूँगा तो इसका E9 का एरर जो है ये हट जाएगा। उसके बाद चलिए मैं इसको थोड़ा कस के और फिर देखते हैं कि क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है पानी क्या हो रहा है। चलिए मैं लगाता हूँ, देखो उसका मैंने मॉस्फेट चेंज कर दिया, ये मॉस्फेट लगा दिया, और फिर से मैं इसको लगा के चेक करता हूँ इसकी। ये मैंने लगा दिया मॉस्फेट, देखिए ऑन करता हूँ। अभी मैंने कॉइल अटैच नहीं किया हूँ, खाली चेक करने के लिए ऑन हुआ, इसको मैनुअल करता हूँ मैं, तो वो 120 पे आ गया, ये कम ज़्यादा। फिर E9 बता रहा है, जब मैं इस पर कनेक्ट करने के बाद कॉइल ये सेंसर कनेक्ट करूँगा तो इसका E9 का एरर जो है ये हट जाएगा। उसके बाद चलिए मैं इसको थोड़ा कस के और फिर देखते हैं कि क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है पानी क्या हो रहा है। चलिए मैं लगाता हूँ। चलिए दोस्तों ये ऑन हो गया था, इसको चेक करते हैं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि कभी भी अगर मैं पहले हमेशा सीरीज में ही चेक करता हूँ, आपको पहले ही बताया लगा के मैंने। देखिए मैं इसको सीरीज में लगा रहा हूँ, लगाया मैंने, ये बीप बोला इसने। देखिए मैं उसको ऑन करता हूँ, उसको मैनुअल करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो बल्ब है, देखिए बार बार स्टार्ट होता है और बिल होता है, देखिए मतलब ये वर्किंग में है, वर्किंग में है, ये काम कर रहा है। चलिए मैं इसको ऑफ करके और मेन में लगा के चेक करता हूँ। इसको मैंने यहाँ अभी बताया था आपको मैंने, ये मेन मेरा बोर्ड है, ये मैंने लगा दिया, फिर से इंडिकेटर ऑन है, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, इसको यहाँ से मैनुअल करता हूँ, देखते हैं इसमें। अभी ये देखिए ये वर्किंग करने लगा है, देखिए
देखिए 120 उतारा है, देखिए ये वर्किंग कर रहे हैं। और इसको और मैं प्लस करके थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ज़्यादा, ये देखिए इसमें पानी, देखिए पानी हीट होने लगा और वर्किंग करने लगा। देखिए मैंने इसको फुल कर दिया, 2100 वाट पे कर दिया पूरा। और फिर मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा, 2100 वाट बहुत होता है। देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा पानी यहाँ गर्म होते हुए पूरा। चलिए देखिए दोस्तों ये होने लगा, पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साइट में जो बेल का घंटी होता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल कीजिएगा, जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको प्राप्त हो। चलिए सर, ओके दोस्तों, धन्यवाद।